सुप्रीम कोर्ट ने BS-3 गाड़ियों की बिक्री पर 1 अप्रैल से रोक लगा दी है। इन गाड़ियों को अब ना तो बेचा जा सकता है और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ये बिना बिक्री की गाड़ियां ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक बड़ा सिरदर्द का कारण बन चुकी हैं। तो क्या है BS-3, आइए जानते हैं। BS का मतलब है भारत स्टेज, और इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का पता चलता है। BS के जरिए ही भारत सरकार गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को रेगुलेट करती है। BS मानक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। देश में चलने वाली हर गाड़ियों के लिए BS मानक जरूरी है, और यह मानक सभी देश में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे अमेरिका में यह मानक टायर 1 टायर 2 होता है, वही यूरोप में यह मानक यूरो के नाम से होता है। BS के साथ जो नंबर होता है उससे यह पता चलता है कि इंजन कितना प्रदूषण फैलाता है, यानी जितना ज़्यादा नंबर उतना कम प्रदूषण। अभी तक देश में BS-3 इंजन वाले वाहनों को इजाज़त थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब उन पर रोक लगा दी गई है। अब BS-4 या उससे अधिक मानक वाले वाहन ही प्रयोग में किए जा सकते हैं। 3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने BS-3 गाड़ियों को और छूट देने से इनकार कर दिया, तो इन गाड़ियों को बेचने के लिए ऑफरों की बारिश होने लगी। पिछले 2 दिनों में तमाम गाड़ियां बिकी भी, लेकिन बताया जाता है कि अब भी लाखों की संख्या में ऐसी गाड़ियां हैं जो अनबिकी हैं। इन्हें ठिकाने लगाने के लिए कंपनियों के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि कंपनियां इन गाड़ियों को तकनीकी बदलाव कर उन्हें BS-4 के मानक तक ले जाएं, ताकि इन्हें मार्केट में बेचा जा सके। हालांकि ये काफ़ी खर्चीला साबित होगा और गाड़ियों की लागत बढ़ाने पर उनकी कीमत भी बढ़ेगी, इसलिए ऑटो कंपनियां इस विकल्प को आजमाने की स्थिति में नहीं हैं। जबकि दूसरा रास्ता यह है कि गाड़ियों को विदेश ले जाकर उन देशों में बेचा जाए जहां पर पॉल्यूशन मानक BS-3 लेवल या उससे कम है। ऐसे देश हैं जहां इन गाड़ियों को खपाया जा सकता है। देखना होगा कि ऑटोमोबाइल कंपनियां इनमें से कौन सा रास्ता अपनाती हैं। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।